हेलो असल के व्यूअर्स, मैं हूँ हशा शेख और आज मैं अगेन आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि एक ऐसे बंदे की कहानी है जो इसके ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं, मगर उसके अंदर हमेशा से एक लालच का आंसर होता है। एक बंदा होता है जिसके बीवी बच्चे होते हैं और उसकी तकरीबन अच्छी लाइफ होती है, हर चीज़ होती है, अपना घर होता है, किसी भी चीज़ की ऐसी कोई कमी नहीं होती जिससे मतलब बंदा शुक्र ना करे या किसी टेंशन में आए, मगर उसको फिर भी हमेशा से ये होता है कि मेरे पास एक बड़ा सा घर हो और काफ़ी सारा बैंक बैलेंस हो, मगर उसकी हमेशा से ये ख्वाहिश होती है कि किसी और से मुझे ये चीज़ें मिल जाएं। तो उसे कभी भी ऐसे नहीं बोला होता अल्लाह से कि मुझे ये चीज़ें अपनी ही चाहिए। तो कहते हैं ना कि जैसे आप अल्लाह से मांगते हो आपको वैसे ही मिलता है। अगर आप बोलते हो कि अल्लाह मियां हमें अपना दे तो अल्लाह मियां अपना देता है, और अगर आप कहते हो कि मैं किसी का मिल जाए मुझे, मैं किसी पे मतलब कब्जा करूं, तो हमेशा इसी तरह होता है कि आप जैसे सोच रखते हैं वैसे ही होता है। तो खैर उसकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होती है, मगर उसकी हमेशा ऐसी ही विश होती है कि उसको कहीं से एक जायदाद बड़ी सी और बैंक बैलेंस किसी का मिल जाए। बहरहाल ऐसा होता है कुछ अरसे बाद उसको एक ऐसी औरत टकराती है जो काफ़ी उससे इससे बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, मगर बहुत ज़्यादा पैसे वाली होती है और उसका अपना घर होता है। तो इस इंसान को उस औरत से काफ़ी उनसियत होती है और ये उससे शादी कर लेता है। शादी करने के बाद इसके जो बीवी बच्चे होते हैं वो काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि फैमिली अच्छी खासी चल रही हो फिर इस तरह से मोड़ आ जाए तो काफ़ी आपको पता है कि पैनिक सा हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और फिर इनकी लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। मियाँ बीवी और अपने बच्चों से बोलता है कि तुम लोग जा सकते हो क्योंकि अब मैं उसके साथ रहूँगा, क्योंकि इनके मियाँ की ये सोच होती है कि ये सारी ये एज में बड़ी भी है और इसके पास इतनी सारी दौलत है तो वो आगे जाके जब ये औरत ज़िंदा नहीं रहेगी तो उसको मिल जाएगी। तो बहरहाल काफ़ी अरसा गुजरता है, अपने बीवी बच्चों को जाने के लिए बोल देता है, छोड़ देता है। उसके बीवी बच्चे काफ़ी तकलीफ़ों से गुजरते हैं, कुछ अरसे ये उनको ख़र्चा भी देता है, फिर उसके बाद ये उनका ख़र्चा भी अपने बच्चों का बंद कर देता है। खैर बीवी के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वो इधर उधर से जॉब की तलाश में अपने बच्चों को किस तरह पाले और अपने बच्चों को कैसे लेके चले, बच्चों के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि जब एक बाप का साया सर पर नहीं रहता तो ये बहुत ज़्यादा एक टेंशन की बात होती है और ये बहुत तकलीफ दे मरहला होता है। तो उनका एक बहुत तकलीफ़दह दौर गुजरता है जिसमें उनके बच्चों की एजुकेशन डिस्टर्ब हो जाती है, उस औरत की बहुत उसको धक्के खाने पड़ते हैं जॉब्स के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और ऑब्वियसली जब एक सिंगल मदर बच्चों को पालती है तो वो एक बहुत पेनफुल मरहला होता है। और दूसरी बात ये भी होती है कि जब एक शादीशुदा औरत अपने मायके वापस आती है तो वो भी आपको पता है कि एडजस्ट करना कितना मुश्किल हो जाता है, तो ये सब चीज़ें वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों से काटती है। कुछ अरसा गुजरता है, खैर वो आदमी जो होता है वो अपनी जो दूसरी बीवी के साथ रहता होता है उसके साथ वो चीज़ें एडजस्ट करता है जो उसके नेचर के अगेंस्ट होती हैं बिल्कुल भी। जैसे कि उसकी जो दूसरी बीवी होती है उसके बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, बहुत काफ़ी बड़ी फैमिली होती है, वो आते हैं उनके मतलब घर में शोर शराबा, एक जो उसको जो जो चीज़ें नहीं पसंद होती हैं वो सब बर्दाश्त करता है सिर्फ उसकी दौलत के लिए कि जब इसको कुछ होगा तो उसको ये सब दौलत मिलेगी। खैर कुछ टाइम गुजरता है कि वो अपने काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जा रहा होता तो उस बंदे का एक ख़तरनाक एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और उसकी दूसरी बीवी को फ़ौरन कॉल की जाती है कि इस तरह से आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया फ़ौरन है, और वो फ़ौरन पहुँच जाती है। खैर वो डॉक्टर से मालूम करती है, डॉक्टर उनको बताते हैं कि इनकी मतलब एक ब्रेन डैमेज हो गई है, उसके बाद इंसान कोई भी इंसान बचता नहीं है और हमें नहीं पता कि ये इसके पास जितना भी टाइम है, कोई मिरेकल हो जाए वो बच जाए वो एक अलग बात है, वरना इसके पास कुछ ही घंटों का टाइम है। खैर वो उसकी जो दूसरी बीवी होती है अपने मियाँ के पास जाती है और उसका हाल चाल मालूम करती है। खैर वो उससे पूछता है कि डॉक्टर्स ने क्या कहा, वो उसको बताती है कि डॉक्टर्स ने बोला है कि आपके पास कुछ घंटों का टाइम है, और इस तरह करके जो भी डॉक्टर्स बताते हैं उसको एक्सप्लेन करती है। वो फिर सोच में पड़ जाता है बंदा, एक तरह से वो बिस्तर मर्द पे होता है तो वो सोच रहा होता है कि मैंने ज़िंदगी भर मतलब बहुत सारे लोगों के साथ अच्छाइयाँ की हैं और एक बेवा औरत से शादी की और उसको सहारा दिया और फिर भी मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम, अचानक से मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया,
तो मेरी कहाँ पे मेरी गलती है, वो इस तरह करके सोचता, तो उसको एकदम अपने पहले बीवी बच्चे याद आते हैं और वो अपनी दूसरी बीवी को उनको फ़ौरन बुलाने के लिए बोलता है। खैर वो उनकी दूसरी बीवी जो होती है उसके पहले बीवी बच्चों को बुलाती है और वो आ जाता है, और वो बंदा जो है उनसे अपनी जो उनको छोड़ के गया होता है और उनको अकेला छोड़ा होता है और जो वक्त उन्होंने अकेला काटा होता है उसके लिए माफ़ी मांगता है। खैर उसकी बीवी बच्चे उसको माफ़ कर देते हैं, वहाँ से चले जाते हैं, मगर ये बंदा ये सोचता है कि इन्होंने तो मुझे माफ़ कर दिया मगर मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक पूरी ज़िंदगी आपने किसी की वजह से तकलीफ़ में काटी हो और वो माफ़ी के एक सॉरी के वर्ड से ख़त्म कभी भी नहीं हो सकती। और वो बिस्तरे मर पे लेटे लेटे ये सोच रहा होता है कि मैंने उन अपने बीवी बच्चों को छोड़ा और उनको एक तकलीफ़ का वक्त दिया और इस दौलत जायदाद के लिए मैंने ये सब कुछ किया, ये सोच के कि अगर मैं मेरी दूसरी बीवी इतनी एजिट है और इसको कुछ हो जाएगा ये सब मुझे मिल जाएगा, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उससे पहले मेरा वक्त आ गया और मैंने इसके लिए क्या क्या नहीं किया। तो इस तरह करके कुछ ही घंटों में उसकी डेथ हो जाती है। आप ये देख सकते हैं कि उस बंदे ने क्या नहीं किया, सब कुछ होते हुए अल्लाह का शुक्र करने के बजाय लालच में पढ़कर और एक ऐसी ख्वाहिश में पढ़कर के मुझे किसी और का मिल जाए, और ना कि ये बोला कि मुझे अल्लाह ने अपना दे दे, और लालच में पढ़कर कैसा वक्त तकलीफ़ का अपने बीवी बच्चों को, और उसने अपने लिए भी एक गलत चॉइस को इंतखाब किया। खैर इस तरह की मैं ये समझती हूँ जो भी लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा लालच होती है और वो उस लालच में कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, तो लालच का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है, हमेशा ख़राबी होता है। जैसे कि इस कहानी में आपने देखा कि उसने क्या क्या चीज़ें बर्दाश्त नहीं की, क्या क्या चीज़ें टॉलरेट नहीं की जो उसको पसंद भी नहीं थी, और उसने कितना कितना गलत किया और उसके बाद उसको वो सब कुछ मिला भी नहीं। और यहाँ पे ये भी हो सकता था कि उसको सब कुछ मिल भी जाता मगर फिर भी वो बात ना रहती, ये एक अलग चीज़ है। मगर मैं ये समझती हूँ कि आजकल वाकई ऐसा दौर है कि हर इंसान बहुत ज़्यादा लालची हो चुका है। हाँ वो आजकल रिश्तेदार भी उन रिश्तेदारों को नहीं पूछते हैं जो पैसे में कम है या वो गरीब है। तो हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें ये भी सोचना चाहिए कि मर के हमें अल्लाह को मुँह भी दिखाना है, हमें अपना कोई भी स्टेप उठाने से पहले ये भी सोचना चाहिए कि हो सकता है हम जिन चीज़ों की लालच कर रहे हैं, जिन गलत चीज़ों में पढ़ना चाह रहे हैं, उससे पहले हमारी ज़िंदगी ही ना रहे। और ये कि आप एक रिश्तेदारों को नहीं पूछते हैं जो गरीब होते हैं या पैसे में कम होते हैं, तो इस तरह भी नहीं करना चाहिए। अपने हर रिश्तेदार को जिस तरह एक पैसे वाले रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा रख रखाव पसंद करते हैं और उनके पास आना जाना पसंद करते हैं, इसी तरह जो हमारे वो रिश्तेदार जो मुखलिस हैं और पैसे में कम है, हमें उनको भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, पूछना चाहिए, और हमारे अपने पैसों में से कुछ हिस्सा उनको भी देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। अगर हमने ऐसी पूरी एक ज़िंदगी गुजार ली जिसमें हमने कम लोगों को नहीं देखा और ऊपर वाले लोगों को देखा, तो जब हमारा एक दिन आएगा जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो हम अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी आपने अगर किस्से सुने होंगे तो उसमें हमेशा ये है कि अगर उनके पास कोई आ जाता था तो वो अपने हिस्से का भी खाना अब जो उनके घर पे आया होता था उसको दे देते थे। तो ये चीज़ें कितनी मीनिंग रखती हैं, मतलब कितनी एक वर्थ रखती हैं चीज़ें, कि अगर हम देखा जाए, हम हदीसों को उठा के देखा जाए, मगर आजकल हम इन चीज़ों पर बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि हमारा कुरान क्या कहता है, हमारा इस्लाम क्या कहता है, या हमारे नबी ने क्या चीज़ें की, और उन सब चीज़ों को भूल के सिर्फ हम दुनियादारी में गुम हैं ये सोचे बगैर कि एक दिन हमें मरना है। तो मैं ये समझती हूँ आप ये स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है कि मैंने एक अपनी फ्रेंड से शेयर की थी, तो उसने मुझे बोला कि ये तुम शेयर नहीं करो, लोगों को इस चीज़ का कोई भी असर नहीं होने वाला। मगर मैं ये समझती हूँ दुनिया में अच्छे बुरे लोग, हर तरह के लोग मौजूद हैं और 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती जिसको बोला जाता है। तो हो सकता है मेरी इस कहानी से किसी ना किसी को बिल्कुल फ़र्क पड़े, और मैंने आपके साथ शेयर की है। और अगर आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।